हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वीडियो है और आज की वीडियो अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत जन डॉग लेने जाते हैं तो इन फ्रॉड ब्रीडर्स और शॉप्स के चक्कर में फंस जाते हैं और कुछ कुछ लोग ऑनलाइन डॉग्स लेते हैं। तो पैसे तो वो लोग ले लेते हैं पर वो डॉग्स आते ही नहीं हैं, या फिर मिक्स ब्रीड का डॉग आपको थमा देते हैं। तो आज इससे ही बचने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो ही देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और उनके साथ या फिर उनके फ्रेंड्स के साथ भी फ्रॉड होने से बच जाए। हे गाइस, जो पीछे भी मैंने वीडियो में इतना सीरियसली बोला उसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल करो ब्रो। और अगर आपको इन फ्रॉड से बचना है तो आपको कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ टिप्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही टिप्स आज मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो टिप नंबर वन ये है कि आपको डॉग की प्योरिटी अच्छे से चेक करनी है, आपको डॉग के मदर फादर को चेक करना है और ये चेक करना है कि वो डॉग अच्छे क्वालिटी का है क्या नहीं, या फिर उस डॉग को कोई चोट तो नहीं लगी है, वो डॉग प्योर ब्रीड का है या फिर नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो और अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा। जब आप कोई भी पेट लेने जा रहे हो तो उसकी जो ब्रीड है उसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डॉग ब्रीड कैसी है, या फिर आप कोई भी कैट लेने जा रहे हो या फिर कोई अदर एनिमल लेने जा रहे हो, तो उसके जो ब्रीड स्टैंडर्ड्स है वो आपको ज़रूर से ध्यान में रखने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो कोई ऑनलाइन भी डॉग की पिक्चर देख लेता है, कहीं वीडियो दिखाई देते हैं और आप वहाँ से ऑर्डर कर लेते हो, तो इस केसेस में ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लोग आपको पता नहीं होते कैसे है कहाँ से है, और आप उनसे डॉग को ऑर्डर करवा लेते हो, वो पहले पैसे मांग लेते हैं और बोलेंगे कि बाद में डॉग देते हैं, अभी भेज रहे हैं, और जब वो उनके पास पैसे आ जाएंगे तो आपको वो कॉल भी नहीं करेंगे, आपका कॉल उठाना भी बंद कर देंगे। तो ज़्यादातर केसेस में डॉग्स की अगर आपको लेना है तो आप खुद वहाँ पर जाइए, आप खुद पपीज़ को देखिए, और जब आपके पास पपी आएंगे उसके बाद आप सामने वालों को पेमेंट कीजिए, और ज़्यादातर पेट्स की ऑनलाइन शॉपिंग करने से बच्चे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे ही हो जाते हैं। जब भी आप पपी लेने जाओगे तो पपी का प्राइस एकदम जेन्युइन होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, और अगर आपसे वो बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं तो आपको अगर क्वालिटी मिल रही है तो ही आप उस डॉग को लीजिए। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है, जैसे कि आपको लैब्राडोर का पपी 5 या 6 हज़ार में कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस हो जाता है, और कहीं पर भी डॉबरमैन या फिर लैब्राडोर का प्राइस इतना कम में नहीं मिलता है। और जब आप पपी को देखेंगे तो आप उसको अच्छे से चेक कीजिए, उसकी प्योरिटी चेक कीजिए, और पूरी तसल्ली से उसको अच्छे से देखने के बाद ही पपी को लीजिए, क्योंकि जब आप कोई डॉग लेने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होंगी, और उस एक्साइटमेंट में ही आप कोई गलती कर बैठोगे और वो जो सामने वाला ब्रीडर है वो आपको गलत डॉग ब्रीड थमा देगा या फिर आपको क्रॉस ब्रीड दे देंगे। तो आप इससे बचेंगे और आप अगर अच्छे से डॉग को चेक करोगे तो आपके साथ फ्रॉड होने से बच सकता है। आप जब भी डॉग लेंगे तो आप किसी रिप्यूटेड डॉग शॉप ओनर से या फिर डॉग ब्रीडर से डॉग लीजिए, ताकि वो आपको बहुत ही अच्छा डॉग देंगे, और कोई भी डॉग ब्रीडर अपनी जो रिप्यूटेशन है वो ख़राब करना नहीं चाहेगा। और आपको अगर डॉग लेना है तो कभी भी 30 डेज से नीचे का डॉग मत लीजिए, आपको 30 से 35 डेज के ऊपर का ही डॉग लेना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नीचे का डॉग होता है तो उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है, और उस वक्त में डॉग को मदर मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो आगे जाके उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके बोन्स अच्छे बने और उनकी जो बॉडी होती है वो अच्छे से डेवलप हो। अगर कोई भी ब्रीडर आपको सिर्फ एक ही पपी दिखाता है और वो आपको लेने को बोल रहा है, तो आप उसको पूछिए कि उसका बाकी का लीटर उस आपको देखना है, और उसके जो भाई बहन हैं उसके मदर फादर को आपको देखना है, और तभी आप उसको अच्छे से चेक करेंगे तो आपको डॉग लेने में आसानी होगी। कभी कभार क्या होता है कि जो लीटर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, या और उनके मदर फादर भी बहुत दूर होते हैं,
तो जो ब्रीडर है वो आपको नहीं दिखा पाते। तो आप इस केसेस में अगर आप उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और या फिर वो आपके पहचान के हैं तो ही आप उनसे डॉग लीजिए। और अगर आपको वो लीटर दिखाने से मना कर रहे हैं लीटर होने के बावजूद भी, तो आप किसी और ओनर से जाके डॉग लीजिए। और अगर आप किसी पहचान वाले से अगर डॉग ले सकते हैं तो वो लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं और आपका जो डॉग है वो आपकी नज़र में है, तो आपके लिए ये और भी अच्छा होगा क्योंकि आप उन डॉग को जानते हैं, उसके ओनर को जानते हैं और आप उनके मदर फादर को भी अच्छे से जानते हैं। आपको जो ज़्यादातर टाइम है वो आप उनके लीडर के साथ स्पेंड कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा पपी अच्छा है। और जो पपी आपके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, आपके साथ फ्रेंडली है, आपके साथ खेल रहा है, वही पपी आप चूज़ कीजिए। तो ये वाले वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए और मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। और बाकी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।